इस वीडियो में लाहौर का सबसे मजेदार टेंडर जूसी बोन से गिरता हुआ मटन आने वाला है। ये पहले मैं आपको दिखाऊंगा और फिर उसके बाद बनाना सिखाऊंगा और इतना टेंडर बनेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस रोश की बोटी इतनी जूसी और सॉफ्ट होगी कि रूई की तरह आपके मुंह में घुल जाएगी। आज हम आए गनी शिनवारी पे, जो कि लाहौर में कढ़ाई और रोश के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे हर टाइम रश लगा रहता है और हम यहाँ पे आके इसकी स्पेशलिटी आपको ट्राई करवाते हैं। मटन कढ़ाई, गनी शिनवारी का रोश और चपली कबाब, ये आ गया और अब मैं इसको ट्राई करूँगा। ये रोश की बोटी इतनी सॉफ्ट है कि मुझे लगता है ये हड्डी से गिर जाएगी। ये इतनी सॉफ्ट है कि ये मुंह में घुल जाएगी। कुकर के अंदर स्लो कुक किया जाता है और कम से कम 1.5 घंटा इसको स्लो कुक करते हैं। इसकी जो शाइन है और जो इसका सॉफ्टनेस है वो इसको देखने से ही पता चल रही है। इतनी सॉफ्ट है ये कि मुंह में पानी आ गया सिर्फ देख के। आज 4 बंदों का खाना आपका भाई अकेला खाएगा। ओह बहुत ज़्यादा। ये रोज तो बहुत मज़े का है ही, लेकिन अब आपको पता है कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। यस, यू गेस्ड इट राइट। अब हम आगे रोश की 2.0 वर्जन रेसिपी बनाने के लिए, लेट्स ट्राई दिस। ये मटन रोश की सीक्रेट रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। इसमें आपने पसंद का मीट ले लेना है या फिर दस्ती सीना और जॉइंट के अच्छे वाले पार्ट्स ले लेने। स्पाइसेस के साथ इसको मैरिनेट करेंगे और नेशनल रेसिपी मिक्सेस का तंदूरी मसाला इसमें ऐड कर देंगे। फिर आपने इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल ज़्यादा ना डालिएगा, कहीं इसके चक्कर में जंग ना चढ़ जाए। फिर आपने इसको ऐसे ऐसे मसाज करनी है और फिर आपने स्टीमर के अंदर पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख देना है। मटन को आपने स्टीमर में डाल के 3 से 4 घंटे के लिए स्टीम होने देना है। 3 से 4 घंटे स्टीम होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी होगा। और ये धुआं देखें, ये धुआं परफेक्ट मटन को देख के सड़ने वालों के सर से निकलेगा। ये मटन इतना टेंडर है, इसको ध्यान से आपने कुनाली या बोल में निकाल लेना। रोश की रेसिपी वैसे कोई बताता नहीं है, इसलिए मैंने अपने स्टाइल से 2.0 वर्जन अदील चौधरी स्टाइल में बनाया। इसके अंदर हमने बटर को मेल्ट किया, उसके अंदर हर्ब स्पाइसेस, और उसको मेल्ट करके इसके ऊपर पोर करेंगे। सॉल्टेड बटर आपको कहीं से भी मिल जाता है। इसके अंदर आपने पार्सले, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा नमक ऐड कर देना है। ये मटन इतना टेंडर है, मैं इसको हड्डी से पकड़ूंगा ये गिर जाएगा, क्योंकि ये स्टीम के अंदर बना हुआ है और इसके अंदर रेशे और इतना ज़बरदस्त किस्म का बना है, ये देखें। इतना टेंडर रोश आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। बहुत आला। मटन असल में गम भुलाने का भी काम करता है। जैसे मेरी शक्ल देख के आपको लगेगा कि इस बंदे को दुनिया का कोई गम नहीं और कोई फिक्र नहीं। ये था अदील चौधरी 2.0 वर्जन ऑफ रोश। इसकी रेसिपी को आप घर में ट्राई करें, इंजॉय करें, वीडियोस बनाएं और नेशनल फूड पाकिस्तान के पेज पे वीडियोस भेजना और उनको टैग करना मत भूलें। बारबेक्यू बहुत आला।